ये खाने के बाद टॉन निकलेगी। हमारी गुंजिया है ये। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज जैसवंती। कैसे हो आप लोग सब? आज है 1 जून है आज। ना 2 दिन से बारिश हो रही है, मतलब 5 मिनट के गैप में बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली। अभी 5 मिनट का गैप है, बारिश रुकी हुई है। तो अभी हम लोग, मतलब यहाँ का ट्रेडिशनल जो होता है ना, ईद में बनाते हैं और कोई अगर मेहमान आ गए तो बना के देते हैं, दैट इज फॉब। बाकी जगहों में इसको शायद गुंजिया कहते हैं। मैदे से बनता है, इतना पूरी की तरह बनाते हैं, उसके अंदर ग्रेटेड कोकोनट होता है, उसको डालते हैं, फिर उसको डीप फ्राई कर देते हैं, तो उसको यहाँ पर फॉब बोलते हैं। दिखाई दे रही हूँ मैं? बाहर रोशनी है इसलिए मैं भी नहीं दिखाई दे रही होंगी। बाहर अभी मौसम अच्छा हो रहा है, नहीं तो इतने देर से बारिश ही हो रही थी 2 दिन से। दीदी उसी के लिए मैदे को, जो मैदे का जो डो होता है वो तैयार कर रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये डो बना रही हैं मैदे से, फिर इसका पूरी बनाएंगे। और मुझे लगता है सबको ही पता होगा गुंजिया कैसे बनाते हैं, है ना? तो वही अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसको मैंने लास्ट टाइम बनाया था लास्ट लॉकडाउन में हैदराबाद में। अगर मेरे पास पिक्चर हो तो मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा दूंगी। अच्छा बना था, अच्छा खासा बना था, फर्स्ट ट्राई था मेरा, जो कि हम सब ने घर में बनाया था, मतलब मम्मी ने, मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम सब ने लॉकडाउन में बनाया था। ये देखिए, दीदी ने पेड़े के साइज का बना लिया है। अब इसको इसमें बेलेंगी दीदी और मैं आपको दिखाऊंगी एक पूरी कैसे बेलते हैं दीदी, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, और फिर डीप फ्राई कर देंगे और दैट हो जाएगा आपका तैयार गुंजिया फॉब। इसके लिए, फॉब बनाने के लिए एक वो भी चाहिए होता है टूल, जो कि ये वाला टूल है। हाथ से भी बना सकते हैं हम, जो फॉक होता है ना, फॉक से उसकी जो साइड है कट्स दे सकते हैं उसको, पर ये अच्छा रहेगा, आप अपने शेप से बना सकते हो। और ये पूरी के शेप से बन गया है। ये है ग्रेटेड कोकोनट, जिसको मतलब ग्रेट करके हमने थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर लिया था। तो इधर दीदी बेल बेल कर रख रही हैं, और मीनवाइल यहाँ पर मुझे मम्मी के लिए, मम्मी ने बोला आज उनको ऐसा, ये जो है ना सब्जी, दैट इज बैगन, और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, आलू, इसको अच्छे से मसाले से रख दिया, इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पर तवे में और उसके बाद मम्मी को देंगे। उनको ऐसा खाने का दिल बोल रहा है, मम्मी ने आज फर्स्ट टाइम बोला है, तो हम तैयार करते हैं इसको और आप देखते रहिए हमें। बना रही हूँ अभी ये वाली जो है ना, इसको फ्राई कर रही हूँ, ऐसे फ्राई कर रही हूँ जैसे हम फिश फ्राई करते हैं, और थोड़ा फ्लेम कम है इसका, इसको फिर थोड़ा जब ये सिक जाएगा इस साइड से, फिर हम पलटेंगे और फिर इसको रख देंगे साइड में प्लेट में, फिर इन चीजों को मतलब आलू को एक साथ हम डालेंगे, उसके बाद उसको सेकेंगे दोनों साइड, देन ये वाली जो प्राणी है सब्जी, तो क्या बोलते हैं देखिए, पानी क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर खोरल कुछ ऐसा नाम है पता नहीं, इसको सीखेंगे। उसके बाद सब चीज सीखने के बाद जब थोड़ी नरम हो जाएगी, एक कढ़ाई में रख कर थोड़ा तेल डालकर एकदम लो फ्लेम में डालकर उनको 5 मिनट तक अपने आप होते देंगे और फिर वो तैयार हो जाएगी। ये बना लिया है दीदी ने, देखो ये दिखाओ प्लेट दो सभी, ये देखो ये बना लिया शेप, ये शेप दिख रहा है, ये वाला शेप है, ऐसे शेप में चाहिए हमें हमारा फॉब गुजिया। ये अभी अच्छा बन रहा है तो रख दो। ये सभी भी आ चुके हैं यहाँ पर मदद करने के लिए। सभिया आपको ये खाना है? हाँ, आपको ये खाना है, आपको ये बनाना सीखना है, अच्छे से बनाना सीख जाओ जो भी सीखना है, बिकॉज मम्मी की तरह मत हो, नहीं तो सब चीज आपके लिए न्यू होगी। अच्छे से आप सब चीज सीख जाओ, आपको अच्छे से मास्टर शेफ बनाएंगे हम। हाँ। ठीक है, और बाद मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बन जाना, उसके बाद मास्टर शेफ बन जाना। हमारी चचेरी बहन जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो आ चुकी है और वो भी हमारी हेल्प कर रही है। अभी मम्मी को कुछ और खाने का दिल बोल रहा है पॉप के साथ, तो मे बी ग्लूकोज चढ़ा है उनको, तो दिल बोल रहा है शायद ये सब खाने का। आप देखेंगे वो खाएंगी या नहीं खाएंगी, आई डोंट नो। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी बहन जो आफा है, हम आफा बुलाते हैं, वो बाकी चीजें बनाएंगी। तो ये जो हम हंदेश चीनी से जो बनाया था हमने गुलगुले, इसको यहाँ पर गुड़ से बनाया जा रहा है। पानी में गुड़ डाल दिया है, ये अल्टरनेटिव चीनी का काम करेगा और इसका टेस्ट भी अलग होगा। पानी में ये मैदा भी डाल दे रहे, इसका ये प्रोसीजर है। अब इसमें जो ये राइस फ्लावर है, इसको भी इसमें डाल देंगे, इसका टेस्ट इन्हांस होने के लिए।
तो पहले हमने वाटर में गुड़ डाल दिया था, फिर उसमें मैदा डाल दिया, अब इसमें राइस फ्लावर डाला है। आप देख सकते हो आपको जितना बनाना है उतने हिसाब से डालो और सबको मिला दो। एक होने वाला है गुड़ का हंदेश और एक होने वाला है मसाले का हंदेश। जो मसाले का हंदेश है ना गुलगुला, उसमें प्याज पिसा हुआ अदरक लहसुन जाएगा, फिर जो राइस फ्लावर जाएगा और मैदे का फ्लावर जाएगा और पानी जाएगा। फिर इनको अच्छे से बैटर बना के फिर तेल में डीप फ्राई करना है। दैट तो आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में, नहीं देखा तो जल्दी से जाकर ईद वाला व्लॉग देखिए, उससे पहले वाला व्लॉग देखिए, सब व्लॉग चेक कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जल्दी कर देना, बिकॉज आई एम डूइंग द व्लॉग डेली फॉर यू पीपल। और आप लोगों को भी अच्छे से व्लॉग देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जल्दी से कर ही देना है। तेल को अच्छे से गर्म कर देना है और उसके बाद ऐसे कप में ले लेना है बैटर, और उसके बाद बैटर डालना है। कोकोनट वाटर जो हमारे बड़ब्बा हैं उनके पेड़ का है, जिसको अभी फ्रेश फ्रेश ग्लास में लिया जा रहा है। और ये कारनामा किसने किया है? आपने? अच्छा, और जेहान वेयर इज योर पैंट? जेहान मुंह में उंगली क्यों है? क्या कर रहे है डैडी? क्या कर रहे है डैडी? अरे अरे अरे, डोंट टच। ये हो गया है फ्रेशली कोकोनट वाटर है जो हमें सिटीज में मिलेंगे। तो कौन आए हैं जिनको सांप ने काट दिया था और जो अभी तक जिंदा है? ऐसे कुछ नहीं आया खाने के लिए। क्या पकाया? क्या खाने के लिए आया आप? देखो हाँ हाँ, ये है, ये हंदेश है, खाइए। ये देसी चीज है, एक बार खा के कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ देखो, खा कर टेस्ट करके मुंह में डालकर फिर रख दिए। वाओ, बहुत गर्मी है। हाय गर्मी। ये जो गुड़ का था ना गुलगुला हंदेश, वो ये है। ये टेस्टी है, साइड इफेक्ट नहीं है। ऑयली है ये खाने के बाद, ये खाने के बाद तौन निकलेगी। इतना बड़ा पेट नहीं है मेरा। साइज बढ़ चुका है, वो होना चाहिए, बिकॉज ही इज 2 ईयर एल्डर। ऐसा लगता है कौन कौन बड़े दिखते हैं हम दोनों में। जो हैदराबाद में भाई आए थे वो मुझसे 1 साल बड़े हैं और ये वाले भाई मुझसे 2.5 साल बड़े हैं। समझ में आया आपको? गांव में आया तो गांव का जो लैंग्वेज वही ज्यादा आता है, इन जनरली हम लोग वही यूज करते हैं, तो इसीलिए हम कम। एंड बाय द वे ही इज लॉयर, इसीलिए अगर कुछ भी क्राइम कर रहे हैं तो संभल कर हमें करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। और देखिए, जितना हो सकेगा तो आसाम का जितना चीज है और दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर हम लोग यहाँ रहेगा तो। अच्छा भाई, बहुत, प्लानिंग, बहुत भाई प्लान कर रहे हैं कि दुबई में चले जाएंगे, हमें यहाँ पर छोड़कर जो मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, क्या है ये आसाम में बहुत कुछ है और ये आसाम पे नहीं था इतना दिन, छोटा से बाहर था तो उसका बारे में इतना पता नहीं है। अगर टाइम मिलेगा तो असम में बहुत कुछ चीज है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ चीज है, इंशाल्लाह हम दिखाने के लिए ट्राई करेगा। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारी गुंजिया हैं, ये गुड़ की हंदेश है और ये बुलाई गया और ये मसाला वाला हंदेश है जो रेडी हो चुका है। यहाँ पर प्लेट में मैंने सर्व किया है कम कम फॉर मॉम डैड
और ये वाले भैया, और यहाँ पर है वो जो जा रहे हैं जिनको सांप ने काट दिया था, और ये हमारी आफा है जिन्होंने ये सब बनाया है। हस्बैंड ने खाकर चले गए हैं, सास को भेज दिया है, बच्चे भी ने भी खा लिया, तो अब हम ये टेस्ट करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट बाइट मैं लूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बोल रहे हो टेस्टलेस है, मत इसीलिए बोल रहा हो क्योंकि वो ज्यादा खा लेगा, इसीलिए हम बोल रहे टेस्ट। अच्छा देख रहे हो आप लोग, भाई मतलब बहन को नहीं खाने के लिए टेस्टलेस पहले बोल दे रहे ताकि मैं ज्यादा ना खाऊं। रियली माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दीदी को भी दे दिया है वहां पर, और ये जहान है, बेटा खाओ थोड़ा खाओ। टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है, बोलो कैसा है, कैसा है बताओ कैसा है। इट्स यमी, यस। जो अंदर की जो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है ना, ये हमारे ये वाले भैया के पेड़ से है, जो हम बनाएगा पूरा एपिसोड लेके आएगा, लेकिन आज फिलहाल टाइम नहीं है, बहन आया, बड़ा बहन इसलिए थोड़ा बना के। बड़ा बहन? अच्छा हाँ, मैं बड़ी नहीं हूँ क्या, मैं बड़ी नहीं हूँ। दे ऑल आर कुआरास, ये जो भैया है जो हैदराबाद में आए थे, उनकी भी शादी अभी 1 ईयर ही हुई है, होकर जो कर भी जल्दी हो गई है शादी, भाई ने कर ली है। हम तो इतना जल्दी और ये वाले भैया ने जल्दी शादी नहीं करेंगे, जल्दी नहीं होने वाला। इनके लिए भाभी हम जल्दी लाएंगे, हमको नहीं चाहिए, हो जाएगा, लाइफ एंजॉय कर लो। शादी के बाद और ज्यादा एंजॉयमेंट होता है, आपको पता है, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम आप एग्जांपल मेरी ले सकते हो, यू टेक एग्जांपल ऑफ मी, आई एम वेरी हैप्पी विद माय फैमिली। आई नो वेरी वेल, ही नोस वेरी वेल, आई नो आफ्टर वी गेटिंग मैरिज देन देयर sometimes there is a more responsibilities which we need to handle it. जितना हम responsibility लेंगे उतने हम समझदार होंगे। जो मैं पहले समझदार नहीं थी वो अब हो चुकी हूँ, और धीरे धीरे इंशाल्लाह आगे भी होंगी। लाइफ तो एक बार मिलेगा, तो उसमें जैसे मन है वैसे रहो, खुद का जब मर्जी होगा तब शादी करेगा, अभी का ये बात नहीं। हाँ वो चूल्हा बन चुका है, फाइनल टच उसका अभी बाकी है, क्योंकि एक चीज है क्या होता है, इन जनरली अगर सिटी में उस जगह में रहने से इस वगैरह नहीं बनते, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पेड़ वगैरह है, तो बनाने में बहुत फायदा होता है, बहुत इजी हो जाता है बड़ा बड़ा पकवान बनाने में। तो इधर छोटे मोटे घर के काम चालू हैं, एंड नाउ आई एम एंडिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बटन को जरूर क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, FB एंड ट्विटर ID। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अल्लाह हाफिज़।